आज 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। जिला अदालतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। कोलकाता कांड को लेकर क्या बड़ा एक्शन लेगी केंद्र सरकार। गुजरात में उफान पर नदियां, मगरमच्छ आए बाहर। ओमान की ओर बड़ा चक्रवात असना, गुजरात पर असर नहीं। अमित शाह ने गांधीनगर की जमीनी स्थिति की समीक्षा की। सीएम ममता पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा पत्र लिखना बंद करें, सवाल का दे जवाब। महिला सुरक्षा पर पूछे हैं सवाल। लोकसभा चुनाव से सबक, अब आरएसएस और भाजपा में तालमेल बढ़ाने पर फोकस। केरल की बैठक में शामिल होने पहुंचे जेपी नड्डा। हिमाचल की आर्थिक स्थिति और कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर बीजेपी का तीखा प्रहार, कहा कांग्रेस जहां जहां जाती है लूट और कंगाली लाती है। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। सिख दंगा मामले में कोर्ट ने आरोप तय किए, 3 लोगों के मर्डर का आरोप। आयोडीन, विटामिन ई और कैल्शियम की कमी से जूझ रही 5 अरब की आबादी, भारत की स्थिति भी खराब। अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 6.7% पर रही, 15 महीने में ये सबसे कम, पिछले 8.2% थी। खेती सर्विस सेक्टर के खराब प्रदर्शन का बताया जा रहा है असर। एक यूपीआई अकाउंट से 5 लोग कर सकेंगे पेमेंट, सरकार ने लॉन्च किया यूपीआई सर्किल, इसमें 1 महीने में 15,000 तक का ट्रांजेक्शन की लिमिट।